लुखेड़ा के अंतर्गत पड़ने वाले गांव बम्बेवा में 5-6 अप्रैल की रात को एक मर्डर केस हुआ था रॉयल ढाबा के ऊपर, जिसमें राहुल नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के केस में 4 आरोपी थे, जिनमें से 2 आरोपियों को हमारी CIA की टीम ने 6 तारीख को मुठभेड़ के दौरान काबू कर लिया था। इसी हत्या के मुकदमे में जो मुख्य आरोपी कुलदीप उर्फ सरपंच है, उसको भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। कुलदीप उर्फ सरपंच के ऊपर इससे पहले 17 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 4 हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा लूट और हत्या के प्रयास के भी मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। कुलदीप के बारे में जो सूचना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन SHO पिल्लूखेड़ा को मिली थी, उसके ऊपर टीम ने कार्रवाई की। सूचना यह थी कि कुलदीप को फतेहाबाद पुलिस ने किसी आर्म्स एक्ट के मुकदमे में गिरफ्तार किया है। वहाँ गिरफ्तारी के दौरान कुलदीप ने पुलिस को झूठी सूचना दी। उसने अपने आप को खरड़ गांव का रहने वाला बताया, लेकिन जब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेस पे पुलिस ने वेरीफाई किया तो हमें पता चला कि यह कुलदीप वही व्यक्ति है जो बम्बेवा के मर्डर केस में मुख्य आरोपी है। तो पुलिस ने तुरंत इसका प्रोडक्शन वारंट लिया और आज इसकी गिरफ्तारी डाल के माननीय न्यायालय में पेश किया गया और इसको रिमांड पर लिया गया। कितने दिन का रिमांड हुआ? अभी हमारी टीम इन्हें कोर्ट में लेके गई है, जैसे ही टीम आती है इसके बारे में भी आपको सूचना दी जाएगी। कितने अपराधी हैं सर इसमें? इस पूरे केस में जो FIR में थे 4 अपराधी थे, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा भी अगर किसी की संलिप्तता इसमें पाई जाएगी तो ज़रूर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके ऊपर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास, हत्या, धमकी और जो ये पिल्लूखेड़ा का मुकदमा है, हमारा जो थाना पिल्लूखेड़ा का मुकदमा है, ये सभी मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है। सर इसके खिलाफ जो नहीं, वो देखिए अलग अलग, इनमें से कुछ मुकदमे हांसी के भी हैं, अलग अलग जिलों में ये मुकदमे दर्ज हैं और ये टोटल संख्या इनकी 17 है।